वारली घाट से नीचे आ रहा हूँ। अभी मैं बहुत दूर तक गया था, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ रिटर्न और जा रहा हूँ गो बैक टू रूम। और नीचे उतरते नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना, एकदम बादल वाले नज़ारे है, बादल दिख रहा है, पहाड़ से बादल टकराते हुए जा रही है, इसके वजह से बारिश ज़्यादा होने लगता है। इसलिए इस नज़ारे से इस लोकेशन में कब बारिश हो जाएगी कुछ पता ही नहीं चलता है, और अपने को हॉर्न देकर बराबर जाना पड़ रहा है। यहाँ का है ये नज़ारा, आराम से ड्राइव करते हुए जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। किधर से कब गाड़ी आ जाता है कोई पता ही नहीं चलता चला, क्योंकि टर्निंग ही वैसी खतरनाक वाली टर्निंग है, दिख रहा नहीं है, खतरनाक वाली टर्निंग भाई। अगर गाड़ी आएगी सामने से, अगर स्पीड में रहोगे तो सोचो क्या हाल हो सकता है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जाने का और आहिस्ता आहिस्ता निकल जाने का। सावधान पूरे अपघाती वलन वाहन सावकाश चलावा, मतलब वाहन को अपने व्हीकल को आराम से चलाओ, ज़्यादा घाई नहीं करने। और भाई देख रहे हो ना, वाहन सावकाश चलावा, खूबसूरत जन्नत है यार, ऐसा पहाड़ी एरिया मस्त है। इस तरह गांव में एक दिन रहने मज़ा आएगा, इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने को चलाना है, और देख सकते हो ना ये नज़ारे कितने खतरनाक वाले नज़ारे हैं। हमराही मेरे हमराही, तू मेरे संग चलते जा रहे, है ना भाई नज़ारे मस्त। एक्चुअली ज़्यादा धूप नहीं है, इसके लिए वीडियो क्वालिटी उतना मस्त नहीं आ रही होगी, लाइट रहती है तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी मज़ा वाली आती है। और बारिश के मौसम है तो मौसम नज़ारे इस तरह ही रहेंगे, वो तो अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो हम लोग मैं अभी आता भी नहीं। ये देख रहे हो ना, ये पहाड़ सब में गाँव भी है, ऐसा नहीं सोचने का कि ये पहाड़ ही है, इसके नीचे गांव है, इसके ऊपर भी गांव है। और वाटरफॉल का हल्का हल्का नज़ारा भी दिख रहा होगा, इसके ऊपर ऊपर दिख रहे हो ना गए है लाइट, पावर लाइन गई हुई है इसके ऊपर। एकदम भाई जिस रूट से मैं आया था उस रूट से गो बैक हो रहा हूँ, और पीछे से गाड़ी भी आ रही है। वो इस तरह क्यों हो रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, टर्निंग के कारण लिया है मेरे को बात में। उधर से टर्न लेने में बहुत बढ़िया होता है ना। और अभी मैं जा रहा हूँ डाउन टू डाउन, नीचे ही नीचे, बहुत तगड़े वाली जगह है यार। ये यहाँ गांव है, मेरे ख्याल से इस गांव में जाने में मज़ा है यार। आराम से ही चलूँगा यार, कोई गड़बड़ी नहीं है। लोकेशन बढ़िया था लेकिन उससे मुझे मना कर दिया, पहाड़ से चला पावर लाइन निकाला है, गवर्नमेंट ने अच्छा लगे मेहनत की गवर्नमेंट पहुंचा दिया।
धीमे धीमे गाड़ी चलाना पड़ता है। बोल रहा है भाई मत कटो, पूरी जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। गुड्स घोड़ा वगैरह एकदम। अभी मैं डाउन टू डाउन जाऊंगा, नियम पाला अब घाटा डाला, और डाउन टू डाउन जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से चलने का है, कोई हड़बड़ी नहीं है। 50-50 के रेंज में अपने को चलना है, नॉर्मल हो रहा है स्पीड। थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ, ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, बीच बीच में कहीं कहीं बारिश हुआ। जितना मैं सोचा था उतना बारिश हुआ नहीं, फिर भी कभी कभी भी जो बारिश हो रहा था तो रेनकोट पहन लेता था। चुका ध्यान गए जान, हिंदी कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं मराठी में भी लिखा हुआ है। देख रहे हो ना, मैं अपने ही साइड में जा रहा हूँ, क्योंकि उस तरफ अपना ही साइड में जाना गाय से रोड एकदम यू टर्न मिलेगा, मेरा नहीं यू टर्न, इसीलिए थोड़ा सावधानी जाना पड़ता है, नहीं तो कहीं पर भी वाट लग जाती है। इसीलिए सावधानी से जाना पड़ता है मेरे भाई 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 मेरी भाई सावधान से जाना पड़ता है मेरी भाई। मेरे ख्याल से उस तरफ भी रोड था, उस तरफ भी रोड था तो यार मैं कोई खास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकलने से ही बेटर है। ये लोकेशन बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये गांव कैसे जाता है? नीचे से रास्ता होगा मुझे लगता है।
वार्निंग ऐसी मिली है ना कि अगर ब्रेक नहीं लगेगी तो वाट लग जाएगी। इसलिए अपने को एकदम केयरफुली ड्राइव करना है। नो एनी घाई घाई तो अपने को करना ही नहीं है। घाई करने के चक्कर में अपनी जान चली जाएगी। परिष्टु कपन का नजारा थांबा इकडे तुम्ही थांबा। 3 किलोमीटर कराड चिपळूण 16 किलोमीटर आहे यार। अभि थोपली मैं सोचा जाऊंगा इधर लगता है अब बढ़िया लोकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि इधर से जाया जाए। पॉपुली बोल रहा था पॉपुली लेकिन क्या पता यार लोकल पर्सन से कुछ पूछा जाए तो ही पता चल पाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो मेरे को लगता है अब नज़ारा ख़त्म हो चुका है और अपना नज़ारा तो जो था उधर ही था। इधर मुझे नहीं लगता है होगा। खूबसूरत सा नज़ारा तो अब ख़त्म हो चुकी है भाई। अब तो आराम आराम से जाना पड़ेगा। कोई भाई नहीं है लेकिन फिर भी साला फिर टर्निंग वर्निंग वाली सीन तो आती रहती है। ये यहाँ पर मैं लेकिन दूर है यार मतलब 16 किलोमीटर बहुत दूर है अपना कुम्हारली में। 26 किलोमीटर उसने सही बोला था उसमें 28 किलोमीटर दिखा रहा था। इन पहाड़ों की वादियों में है ये गांव और ये है अपना सुंदर सा कोकण का नज़ारा जिसको बोलते हैं कुम्हारले घाट। और ये है अपना भाई इस नज़ारे में गांव है और बहुत शानदार जगह तो है लेकिन सारे इस पहाड़ में घूमने को मज़ा ही कुछ और लगता है। पहाड़ी नज़ारे सचमुच में यह खूबसूरत होते हैं। तगड़े वाली होते हैं। ओवरटेक नहीं कर रहा है क्योंकि रोड छोटा है ना प्लस टर्निंग भी आ रही है। ओवरटेक करना यार थोड़ा खतरे से कर देगा। मैं नहीं ओवरटेक करूँगा सर जैसे कि मैं ओवरटेक रिक्स पर ओवरटेक नहीं करने उसको हड़बड़ी है तो ओवरटेक करेगा अपन लोग ओवरटेक नहीं करेगा। किस चीज़ की घाई है अपने को आराम से चलने का है क्या किस चीज़ किस की गाड़ी है। आसन आसन की गाड़ी है क्या पचास की स्पीड से मैं चल रहा हूँ। 16 किलोमीटर है ज़्यादा नहीं तो आराम से चलेंगे। गणपति बप्पा मोरिय मंगल मूर्ति मोरिय गणपति बप्पा मोरिय मंगल मूर्ति मोरिय गणपति बप्पा मोरिय। ये है थोकली सैयद वाड़ी। ये है अपना मस्जिद।
अपने को औरों में से ही चलना है, अभी रास्ता आगे मिलेगा। लेकिन अच्छी अच्छा दूर है यार, पहाड़ी तक चढ़ने के लिए बहुत दूर है, अभी चढ़ना पड़ेगा। तो अभी निकल चुके हैं भाई, ये है अपना भोकली गांव के और पहाड़ी इधर श्री दत्त मंदिर। लेकिन सचमुच में यार नेचुरल ब्यूटी है यार, मानना पड़ेगा। कोकन इज वन ऑफ दैम। और अभी मैं चल रहा हूँ 50 के स्पीड से प्राथमिक आरोग्य केंद्र। बहुत मज़ा आ रहा है यार इस सब एरिया में ड्राइविंग करने का। और पहाड़ी एरिया में जब जाओगे ना तो, लेकिन यार किसी के साथ जाने का, क्योंकि जंगली एरिया है, कुछ भी निकल सकता है। इसके वजह से थोड़ा अपने को डर लग रहा है पहाड़ी एरिया में जाने से। यहाँ तो आपको गांव वाला ऐसे अपना, जैसे यूपी बिहार झारखंड में अपना गांव रहता है ना, वैसा गांव नहीं है, एकदम हाईली जंगल है। और इस जंगल को कोई काट ही नहीं पाता, ऐसी एरिया में है। मतलब वहाँ पर पब्लिक पहुँच के बाहर है, वहाँ सिर्फ पहाड़ी लोग रहते हैं। और लोग गाय बैल भैंस ही रखते हैं और वहाँ से दूध निकाल के एकदम प्योर दूध बेचते हैं। उन लोग का एकदम बहुत तगड़ा स्ट्रांग पर्सन रहते हैं। और यहाँ का रोड भी देख सकते हो भाई, कितनी हाई क्वालिटी वाली है। एक्चुअली यहाँ पानी ज़्यादा देर ठहरता नहीं है, इसके लिए वो रोड बहुत अच्छी वाली है। और अभी मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वाइड एंगल पर और 60 FPS। मैं आज देखूँगा कि 60 FPS, और लेकिन मेरा पिट रेट हाई है। और आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी क्वालिटी ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से लगभग अभी 20 मिनट से मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल ही रही है। देखता हूँ आगे क्या होता है। दोस्तों फुल पावर के साथ, उसने सही बोला था। अभी मेरा एक दोस्त मिला था बीच में उस घाट के पास, मुझे बोल रहा था कि जाओगे तो चलो मेरे साथ, लेकिन मैंने ही नहीं रुका। मैं सोचा, प्लान ही नहीं था जाने का, प्लस यहाँ कहीं पुलिस ट्रैफिक में कहीं मुझे रोक देगा। मेरे पास पेपर भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मेरी तो गाड़ी की लाइसेंस है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, जिसकी वजह से मुझे डर लग जाता है। और अदर स्टेट में हूँ, इसके वजह से थोड़ा मुझे लफड़ा लगता है। और कोई बात नहीं है, वैसे निकलने का तो सुबह निकलने का, अदरवाइज कुछ होता नहीं है। अगर नसीब अपने घर खराब रहेगा तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन निकलने का तो मॉर्निंग में जल्दी निकलना है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम कोई रहता नहीं, सब के सब सोए हुए हैं। जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है उस टाइम। कोई वेरियर्स नहीं आता है, कोई मतलब बैरिकेडिंग आता ही नहीं, मोस्ट पब्लिक उस टाइम सोए हुए रहते हैं। और इधर का वातावरण एकदम सुहाना जैसा है भाई, एकदम गर्मी का तो एहसास लग ही नहीं रहा है। और देख सकते हो यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा भाई, है ना भाई, तगड़े वाले नज़ारा यार। कोकन तो है भाई, कोकन में जान